हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 9 चल रही है ना, 9.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है ना। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें करना है सिद्ध कीजिए कि बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें 3 बिंदु दिए गए हैं और बोला गया है वो क्या हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर है 7। देखो, समकोण त्रिभुज ये होता है, समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था आयत वाला, जिसमें हमने बताया था कि उसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ऐसे ही समकोण त्रिभुज में क्या होता है। देखो, समकोण त्रिभुज में भुजाओं से तो कोई संबंध होता नहीं है कि भाई दो भुजा बराबर होती हैं या 3 भुजा बराबर होती हैं। समकोण त्रिभुज में केवल एक ही नियम चलता है, वो होता है बोधायन नियम। यानी कि जो ए सी है वो बराबर होनी चाहिए किसके, ए बी प्लस बी सी के स्क्वायर के अंडर रूट के। आ रही है ना बात समझ में। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर होना चाहिए किसके, ए सी के। अगर ऐसा होता है उन बिंदुओं से, तो इसका मतलब है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो देखते हैं बिंदु क्या क्या दिए गए हैं अपने पास। तो अपन को बिंदु जो दिए गए हैं वो दिया गया है 2 और -2। तो ऐसे डाल लेते हैं, देखो ए बी सी, ठीक है, इसको भी चेंज कर देंगे, पहले पॉइंट डाल लेते हैं। तो देखो ए बराबर है 2 - 2। ए बराबर क्या है, 2 और -2। और बी के जो हैं वो हैं -2 और 1, -2 और 1। और सी के बिंदु हैं अपने पास 5 और 2। क्या हैं, 5 और 2, ठीक है। मान लेते हैं कि ए के ये हैं, बी के ये हैं, सी के ये हैं। देखो, उसमें हमें ऐसे तो दिया नहीं गया होगा कि ए के हैं कि बी के हैं कि सी के हैं। हम तो बस किसी पे भी किसी को रख लेते हैं, जैसे मैंने ए बी सी को वैसे रख लिए। फिर इनको उसी हिसाब से ये बनाना है, जो सबसे बड़ी होगी तो समझ लेना वो क्या है, सबसे बड़ी क्या होती है, कर्ण होता है, फिर लंब और आधार होंगे, ठीक है। तो यहाँ अपने पास होना चाहिए अब क्या, बी सी बराबर ए बी प्लस में ए सी के स्क्वायर का अंडर रूट, ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बी सी ए बी और ए सी निकालनी पड़ेंगी। तो ए निकाल लेते हैं, देखो बी के हैं अपने पास, निकालना अब तो आ गया, भाई दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालना तो आ ही गया होगा, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़ लिया है। ये है -2 और -1, ये हैं 2 और -2, और ये हैं 5 और 2, ठीक है ना। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं बी सी। क्या निकालते हैं, बी सी, यानी कि कर्ण निकालते हैं। तो बी सी बराबर, सूत्र वही है, x2 - x1² + y2 - y1² का अंडर रूट। तो देखो, किसी को ही कुछ भी मान लो, मैं इसको x2 y2, इसको x1 y1, कुछ भी मान सकते हो, एक ही बात है ना। देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे जब भी वो 7 बनेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे जब भी 7 बनेगा। देखो, 5 में से जब हम माइनस करेंगे ना, माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2 हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर, प्लस 2 में से जब माइनस करेंगे 1, माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 = 3 आ जाएगा। तो 7 + 7 = 49 कितना हो गया, 49 + 9 हो गया 58।
अंडर रूट, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, सॉरी एक बार फिर से देखते हैं, माइनस दो और पांच, पांच में से माइनस दो किया तो सात, दो देखते हैं ये एक माइनस का है कि प्लस का है, मेरे को तो ये दो माइनस का है और एक प्लस का है, एक माइनस का नहीं है, एक किसका है, प्लस का है। तो जब दो में से माइनस एक करेंगे ना तब यहां आएगा एक का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 प्लस एक 50, ठीक है। तो BC कितना आ गया, BC आ गया 50, 50 को अपन क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 2 यानी कि 5 अंडर रूट 2, 50 को 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं BA या AB जो भी है, तो देखो 2 में से माइनस के 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, तो 4 के स्क्वायर प्लस माइनस 2 में से माइनस करेंगे कितना, एक, तो माइनस दो और माइनस एक माइनस के तीन, तो माइनस के तीन का स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, चार चौके 16 प्लस 9 25, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, दो में से माइनस करेंगे माइनस का दो तो ये हो जाएगा 4 और माइनस दो में से एक माइनस करेंगे तो ठीक है ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 25, 25 होता है कितना 5। ये क्या है अपने पास ए बी, कितना आ गया ए और बी 5 आ गया अपने पास। अब हम निकालते हैं क्या, अब रह गया अपना ए और सी, तो किसी को ही मान लो, हम इसको तो मान लेते हैं x2 y1, इसको हम x1 y1, 5 में से माइनस करेंगे 2 तो 3 आ जाएगा, 2 में से माइनस 2, 2 में से माइनस करेंगे माइनस का 2 तो हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर तो वही कितना आ जाएगा अंडर रूट 25 बराबर 5, ठीक है। तो ये तीनों आ गए, अब हम इनको इसमें रख के देखते हैं कि अपना आंसर सही होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो देखो BC बराबर अपना कितना है, BC बराबर है 5 अंडर रूट 2 बराबर AB का स्क्वायर, देखो AB कितना है अपने पास 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, ये भी कितना है 25, एसी दोनों 5 5 25 हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 50, तो 5 अंडर रूट 2 बराबर अंडर रूट 50, और अंडर रूट 50 हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा था कितना है 5 रूट 2, ठीक है। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज एबीसी क्या है, एक कैसा चतुर्भुज है, हमें जैसा करना था ना समकोण चतुर्भुज ऐसा ही आ गया, कैसा चतुर्भुज है समकोण त्रिभुज, सॉरी कौन सा है समकोण त्रिभुज है। क्यों है समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या हो रही है लग रही है, और जिस भी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है इसका मतलब वो कैसा है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जब जो अपनी बोधायन प्रमेय वो केवल किस में लगती है एक समकोण त्रिभुज में ही लगती है, तो यानी कि अपना जो है कर्ण बराबर आ गया लंब प्लस आधार के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर, तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब एबीसी एक कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें इस त्रिभुज को कैसा प्रूफ करना था, एक समकोण त्रिभुज प्रूफ करना था, और वो हमने सिद्ध कर दिया है। तो क्वेश्चन 7वां अपना कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 सिद्ध कीजिए कि दिए गए जो बिंदु हैं एक वर्ग के शीर्ष हैं, किसके शीर्ष हैं वर्ग के,
देखो आयत तो हमने कर चुका है, अब हमें करना है वर्ग। तो वर्ग तो आप लोगों को सबको पता है क्या होंगी वर्ग, चारों भुजाएं समान होंगी और विकर्ण भी समान होंगे। तो देखो हमें जो दिया गया है वो हम ए बी सी डी लिख लेते हैं ना, कहीं कोई भी पॉइंट डाल लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट जो दिए गए हैं वो है ए, तो हमें दिया गया है मतलब पहले से ही लिख देते हैं, एक माइनस दो तीन और जीरो, एक माइनस दो ये है तीन और जीरो, फिर है एक और दो और माइनस एक और जीरो और माइनस एक और जीरो, ठीक है यही है माइनस एक और जीरो। तो हमें अब ये सिद्ध करना है कि ये जो शीर्ष है ना किसके शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग के शीर्ष के लिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है बी सी के, सब मतलब एक दूसरे सारे बराबर है, बी सी और ये किसके बराबर है सी डी के, और ये बराबर है डी ए के। इसके अलावा हमें ए सी और इनको भी बराबर सिद्ध करना है, ए सी बराबर डी, ये सब कुछ हमें क्या करना है सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बीच की दूरी आप लोगों को निकालना आता है, सब की दूरी निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं ए बी। देखो ए बी बराबर है तीन में से एक माइनस करेंगे जब कितना आएगा दो, दो का स्क्वायर प्लस जीरो में से माइनस दो माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस के दो। देखो ये हो गया चार प्लस चार यानी कि हो गया कितना, चार और चार आठ यानी कि हो गया ये कितना दो रूट चार, नहीं ये चार ये हो जाएगा कितना, देखो रूट ए आठ हो जाएगा, ठीक है यानी कि ये होता है चार इंटू दो, तो दो रूट दो हो जाएगा, कितना हो जाएगा दो रूट दो, क्योंकि ये जब भीतर जाएगा तो चार हो जाएगा, तो चार गुना दो आठ, तो ए भी आ गया अपने पास दो रूट दो। अब निकालते हैं हम बी सी, ठीक है। तो किसी को कुछ मान लो इसमें से उसको माइनस करते हैं, देखो तीन में से एक माइनस किया तो दो प्लस जीरो में से दो माइनस करेंगे तो माइनस के दो, माइनस के दो का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, तो वही चार प्लस चार बराबर कितना हो गया दो रूट दो। तो ए बी और बी सी तो बराबर आ गए, अब सी डी निकाल लेते हैं, किसी में से किसी को घटा दो। देखो एक में से माइनस एक घटाएंगे तो हो जाएगा दो का स्क्वायर, माइनस दो होगा पर माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, एक में से माइनस एक ये तो प्लस हो जाएगा, और दो में से जीरो घटाएंगे तो कितना आएगा दो का स्क्वायर, ठीक है। तो वही ये भी चार प्लस चार का अंडर रूट बराबर दो अंडर रूट दो। अब निकालते हैं हम क्या रह गया डी ए, तो देखो एक में से माइनस एक करेंगे तो एक और एक दो का स्क्वायर, प्लस माइनस के दो में से जीरो करेंगे तो माइनस के दो का स्क्वायर, वही चार प्लस चार अंडर रूट दो रूट दो, ठीक है। तो अपने पास पहली चीज आ गई ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं विकर्णों की जांच, क्या कर लेते हैं विकर्णों की जांच, ठीक है। तो ए सी बराबर एक में से एक माइनस गया तो जीरो का स्क्वायर प्लस दो और दो ये हो जाएगा चार का स्क्वायर, तो ये तो आ गया कितना चार ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा चार। फिर हम करते हैं बी डी, तो तीन में से माइनस एक जाएंगे जब आएगा
दो का स्क्वायर है, तीन में से माइनस एक करेंगे माइनस माइनस चार हो जाएगा, चार का स्क्वायर, और जीरो में से जीरो करेंगे तो जीरो, तो ये भी चार का स्क्वायर सोलह, तो कितना आ जाएगा चार आ जाएगा, सोलह का अंडर रूट चार ही होता है ना। तो ए सी बराबर आ गया बी डी, लिख देंगे, अतः दिए गए क्या निर्देशांक किसके होंगे, एक वर्ग के बिंदु होंगे, अतः यह एक वर्ग के क्या हैं, बिंदु हैं। क्यों हैं वर्ग के बिंदु, क्योंकि उनकी चारों भुजाएं समान हैं और विकर्ण भी समान हैं, वर्ग होने के लिए यही दो शर्तें होती हैं अपने पास। तो हमने देख लिया इसके चारों के चारों भुजा क्या हैं, बराबर हैं, वर्ग की चारों भुजा समान होती हैं, इसकी भी चारों भुजा समान है, विकर्ण समान होते हैं तो विकर्ण भी समान है, तो ऐसे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, आनी भी नहीं चाहिए। हो गया आठवां प्रश्न कंप्लीट। अब है नवा, सिद्ध कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समबाहु त्रिभुज आप सब लोगों को पता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो वही दूरी निकालनी है और चेक करनी है कि वो समबाहु त्रिभुज है या नहीं है। देखो बिंदु क्या क्या दिए गए हैं, हमें बिंदु दिए गए हैं ए ए माइनस ए माइनस ए अंडर रूट तीन ए अंडर रूट तीन ए, ठीक है ए ए, तो देखो इसको तो हम ए ए लिख लेते हैं, इसको हम माइनस ए और माइनस ए लिख लेते हैं, अंडर रूट तीन ए और माइनस के अंडर रूट तीन ए, यही दिया गया ना, पहले माइनस है फिर प्लस है, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, और कुछ अंडर रूट तीन है, ये है ए ए और माइनस ए ए, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी हमें क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर है नवा, हमें सिद्ध करना है ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा है समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर में सी ए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो तीनों भुजाएं समान हो जाएंगी तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो चलो निकालते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी बराबर देखो अंडर रूट तीन ए में से माइनस करेंगे कितना ए, ठीक है देखो अंडर रूट तीन ए में से माइनस करेंगे ए, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, वो भी माइनस का है ना, दोनों किसके हैं ये माइनस माइनस के हैं, फिर प्लस अंडर रूट तीन ए में से माइनस करेंगे ए का स्क्वायर, और इसका हो गया क्या अंडर रूट, ठीक है। तो अब देखो इसमें ऐसा मत करना है ना कि सिंपली कर देना, इसमें हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगा के इनको ओपन करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो इसमें भी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी a माइनस बी का, देखो इसमें दोनों माइनस के हैं, ठीक है तो लगाएंगे तो हम a माइनस बी, पर हम देखेंगे साइन क्या आएगा वो हमें इससे ही पता चलेगा, क्योंकि देखो 2 इंटू a इंटू b होता है ना, वो अगर एक नेगेटिव होता है तो एक नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएंगे, देखो कैसे, देखो a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, a माइनस बी, पर ये तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर, फिर होता है माइनस 2a, ठीक है देखो माइनस 2a कब होता है, जब एक नंबर माइनस का होता है, ठीक है यहाँ ये दोनों किसके हैं प्लस माइनस के हैं, देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, ठीक है तो माइनस का अंडर रूट तीन ए है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला होता है ए
माइनस बी का होल स्क्वायर और एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इनमें से ये दोनों भी माइनस हो तब भी एक ही बात है, और अगर ऐसे होता ए प्लस बी और यहाँ माइनस होता ना ये, तब भी हम इसमें माइनस का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इन सब कंडीशनों में ऐसे भी माइनस का लगता है फॉर्मूला, ऐसे भी माइनस का लगता है, तो माइनस का लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए और बी, यानी कि बी पहले लिख लिया मैंने, इसको लिख लेता हूँ, चलो अंडर रूट तीन को मैं इसके साथ ही लिख लेता हूँ, और ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर टू ए और बी, तो ए तो थ्री और ए इंटू ए ए स्क्वायर, एक तो हो गया ये प्लस, चलो ये ब्रैकेट हटा देते हैं, अंडर रूट तीन, ये भी क्या हो जाएगा तीन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां भी कितना आ जाएगा माइनस का दो अंडर रूट तीन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से देखो जो कट रहा है उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, जो कटेगा उसको काट देंगे और जो बचेगा उसको लिख लेंगे। इसके ऊपर क्या है अंडर रूट, तो कटेगा क्या, एक यही चीज कटनी चाहिए, कौन सा, इसमें भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो रहा क्या, देखो एक तो प्लस होना चाहिए, ये प्लस होगा क्योंकि दोनों में माइनस है। देखो इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, अब हमने क्या किया है, इसमें से इसको माइनस किया, अगर हम इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं, देखो ए माइनस माइनस का अंडर रूट तीन ए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ना तो ये तीन ए स्क्वायर प्लस में टू अंडर रूट तीन ए ऐसे आएगा, तो ये एक ये देखो इसमें दोनों माइनस के, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो माइनस के ए और माइनस के बी, ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब टू इंटू ए बी, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस, तो टू ए बी ऐसे होता है। देखो और अगर ए माइनस बी होता है तो अपन क्या लेते हैं माइनस लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस टू ए बी, क्यों लेते हैं, क्योंकि एक बी जो है ना वो किसका है माइनस का है, जब ए इंटू माइनस बी करेंगे तो यहाँ क्या आता है माइनस, और अगर यहाँ प्लस है और यहाँ भी माइनस है ना तब भी क्या आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या आता है माइनस, बट यहाँ क्या है माइनस इंटू माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो थ्री प्लस एक फोर प्लस फोर एट ए स्क्वायर आ जाएगा, देखो थ्री ए स्क्वायर है ना, थ्री ए स्क्वायर वन ए स्क्वायर, तो फोर ए स्क्वायर और फोर ए स्क्वायर ये रहा, यानी चार ए स्क्वायर प्लस चार ए स्क्वायर आठ ए स्क्वायर, तो मैं इधर ही लिख देता हूं, इसको आगे और करने की जरूरत है नहीं, वैसे करना चाहो तो ये किससे हो जाएगा टू अंडर रूट टू ए वो भी आ जाएगा, पर हम आठ ए स्क्वायर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, अगर लिखना चाहो तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, और 2a अंडर रूट टू ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू टू एट, ये a स्क्वायर है तो 12 आ जाएगा, तो a अंदर चला जाएगा तो a स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब है bc, तो देखो a में से माइनस a करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस सेम इसमें से उसको जब माइनस करेंगे, देखो इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, इसमें से ये माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ओपन कर दो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए इंटू बी, यानी ए इंटू ए ए, ठीक है, सेम ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस में टू ए स्क्वायर, इन सब को ऐड कर लो, देखो वन टू टू जब फोर, एक ए स्क्वायर दो स्क्वायर और दो चार और पांच ए स्क्वायर छह ए स्क्वायर और आठ ए स्क्वायर, इसको अगर निकालना चाहो तो ऐसे ही निकल जाएगा, ना भी निकालो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब निकालते हैं हम क्या, ए बी हो गया
बी सी हो गया, अब निकालते हैं हम ए सी या सी ए कुछ भी। देखो अंडर रूट तीन ए माइनस का, उसमें से माइनस करेंगे ए तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर। देखो अब ये माइनस का है ये प्लस का है, पर फॉर्मूला इनमें माइनस वाला ही लगेगा क्योंकि ये माइनस का है ना, इसलिए। फिर है अंडर रूट तीन ए, ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देते हैं, तीन ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में टू अंडर रूट तीन ए स्क्वायर। दूसरी तरफ भी फॉर्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू अंडर रूट तीन ए स्क्वायर। इसमें तो लगेगा माइनस का और इसमें लगेगा प्लस का, तो देखो इससे ये कैंसिल, इनको तीन और एक चार और तीन सात और एक आठ, यानी कि दो ए अंडर रूट दो। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, ए बी बराबर बी सी बराबर में सी ए। अतः त्रिभुज, अतः त्रिभुज ए बी सी कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। क्यों है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई है ना। चाहो तो यहां ऐसे भी लिख सकते हो कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, ताकि बाद में दिक्कत ना आए ना, पूरी चीज समझानी चाहिए। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, यही तो सिद्ध करना था हमें कि समबाहु त्रिभुज है। तो ऊपर हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में लिख दिया कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, और हमने तीनों भुजाओं को क्या कर दिया, समान सिद्ध भी कर दिया। तो जैसे ही हमने तीनों भुजाओं को समान सिद्ध किया, अपना ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब 9 अपने क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब जो 10वां क्वेश्चन है ना, उसमें हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु सारे एक हैं। देखो इसको आप लोग खुद मेरे को करके दिखाओगे है ना, समझा देता हूं मैं। 10वां जो क्वेश्चन है ना, उसमें बिंदु सरेख बताना है हमें, तो यानी कि सरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर है। तो देखो एक ही रेखा पर जब होते हैं ना, तो एक कंडीशन होती है बी और सी। ठीक है, क्या कंडीशन होती है, एक एक ही चीज से पता चलेगा कि वो सरेख हैं या नहीं है, कि दो बिंदु, देखो ए बी प्लस में बी सी, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होने चाहिए, ए सी के बराबर होने चाहिए। किसके बराबर होने चाहिए, ए सी के। तो देखो इसमें बिंदु ए बी सी ऐसे मानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या करना है, बस बिंदु रखने, और ऐसे हमें नहीं पता चलेगा कौन सी ए बी है, कौन सी बी सी है, कौन सी ए सी है। बस जो जो तीनों आंसर आए ना, उनमें ये देख लेना कि दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर वो होता है या नहीं होता। किन्हीं दो को, हो सकता है कि जो ए बी है वो किसके बराबर हो, बी सी और सी ए के बराबर हो, क्योंकि हमें वो पॉइंट ऐसे नहीं पता कि वो ए के बिंदु हैं या बी के बिंदु हैं या सी के बिंदु हैं ना, वो तो हमें अंदाजे से लेना होता है। तो आपको क्या करना है, तीनों बिंदुओं की दूरी निकालनी है, जो दो बिंदुओं का योग तीसरे के बराबर आ जाता है तो वो समझ लेना वो कौन सी दूरी है, सबसे बड़ी दूरी है। तो सरेख होने के लिए दो बिंदुओं का योग तीसरे बिंदु के योग के बराबर आना चाहिए। हो जाता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, जरूर से बताना है, करके वीडियो देखते ही तुरंत मेरे को बताना है कि सर वो हो गया है। ठीक है ना, आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।